ये हमारी आंख हमारा सहयोग करती है देखने में, ये हमारे कान हमारा सहयोग करते हैं सुनने में, ये हमारे हाथ हमारा सहयोग करते हैं उठाने धरने में, लेने देने में, पांव सहयोग करते हैं चलने, ये शरीर हमारा सहयोगी है। हम ना तो अनिरुद्धाचार्य हैं, ना तो आप सीता हो, ना गीता हो, आप उस विशुद्ध परमात्मा की संतान हो, आप ही ईश्वर अंश हैं, आपके अंदर ईश्वर का अंश है ईश्वर। अब देखो ना, गंगा जल आपके घर में गंगा जल है तो वो भी गंगा जल है आपके घर में, और वो भी गंगा जल है जो गंगा नदी में है, गंगा माँ की धार में है, तो दोनों में अंतर क्या है? एक गंगा जल धार में बह रहा है और एक गंगा जल आपके घर में बोतल में भरा रखा है, दोनों गंगा जल है पर दोनों में अंतर क्या है जरा बताओ, क्या अंतर है दोनों में जोर से? जो आपके घर में जल है वह है अंश, और जो बह रही है गंगा वह है अंशी, अंशी का अंश, हाँ या ना, अंशी का अंश। जो पावर उस बहते हुए जल में है वो पावर आपके बोतल में भरे हुए जल में नहीं है। अब आप कहेंगे किस पावर की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं, आपके बाल्टी में गंगा जल भरा है और उस गंगा जल में कोई कुत्ता कोई सुअर मुंह डाल दे तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन बहते हुए गंगा में कितने भी सुअर नहा लें वो गंगा जल अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो धार से जुड़ा है और ये धार से हट गया है उसी का अंश, लेकिन धार से जोर से हट गया। उसी प्रकार तुम हम सब हैं ईश्वर के ही अंश, लेकिन उस धार से हट जाने के कारण आप लोग अपने आप को कोई पायल कोई गीता कोई सीता कोई अनिरुद्ध कोई कुछ कहता है, मान लेता है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, जबकि आप हैं वो नहीं जो अपने आप को माने हुए हैं, आप विशुद्ध उस परमात्मा की संतान हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। इसलिए किसी और को जानने के पहले पहले खुद को तो जान लो कि मैं ही कौन हूं। इसलिए अपने को जानना आवश्यक है। हम सब ईश्वर के अंश हैं, जन्म और मृत्यु से हम सब परे हैं, पर संसार में देखो रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, कब रस्सी में सांप कब दिखता है जोर से, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है मेरी मां, उत्तर दो, जब अंधकार हो, जब सामने धुंधला सा अंधेरा हो, हां या ना, जब अंधकार हो तो रस्सी को आप क्या मान लेते हैं, अरे सांप है, रस्सी में किसकी भ्रांति, हां जैसे आप लोग रस्सी में सांप मान लेते हैं अंधेरे के कारण, उसी प्रकार अज्ञान के कारण आप मानते हैं कि आपने जन्म लिया आपकी मृत्यु हो गई, जबकि ज्ञान ये कहता है ना तो आपका जन्म होता है शरीर, जन्म किसका हुआ, जन्म बच्चे का हुआ, उस बच्चे के शरीर का तो जन्म हुआ, लेकिन उसके भीतर जो वह आत्मा है जो ईश्वर का अंश है वह तो पहले से था, सनातन है, उसका तो ना वो मरा था ना वो, आत्मा कैसे है, जैसे हर जगह आकाश की व्यापकता है उसी प्रकार आत्मा की व्यापकता सब जगह है, सब जगह आत्मा। तो बस अपने को जानने की कोशिश करो और बाहर ना देखो भीतर देखो, शांति बाहर नहीं है। आप लोग कहते हो पत्नी में खाने में पीने में सोने में बड़ा मजा आया, ये मजा जो आप कहते हैं यह मजा नहीं है, ये जरा सा क्षणिक सुख है,
ये सुख मिल जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर इच्छा होती है। बोलो हाँ, पेट भरता है? कोई भी सुख ले लो संसार का, कितनी देर का है? क्षणिक। अखंड सुख चाहते हो तो बाहर को देखना छोड़ो, अपने को जानो, और जैसे गंगा का पानी गंगा से मिल जाएगा तब आनंद है, उसी तरह ये जीवात्मा जब परमात्मा से मिलेगा तब ही जीवन में आनंद होगा। वरना ये क्षणिक सुख में यदि आप मजे ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हम तो ज्यादा सुख देने की बात कर रहे हैं, आपको लेना है तो ज्यादा सुख लेना है, लंबे टाइम तक लेना है तो भगवान की शरण में आओ। और क्षणिक सुख में ही आपका गुजारा हो रहा है तो फिर ठीक हो, आप लेते रहो।